डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम इस नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ और हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, वो भी फटाफट अंदाज में, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो बच्चों आओ फटाफट करते हैं क्वेश्चन, तब तक आप भी दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी उत्साह बना रहे। तो चलो बिना देर करते हुए आप तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेंसिल लेकर, और हम करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन, 7/5 की पावर माइनस के 1/2 और 5/7 की पावर 1/2, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो फटाफट मैं भी पेन ले लेता हूँ अपना। और करते हैं सॉल्व। तो यहाँ हमने देख रहे हैं क्या है, सबसे पहले माइनस की पावर है। माइनस की पावर का क्या मतलब होता है? माइनस की पावर का मतलब होता है चीज़ें पलट जाएंगी, जो भी उसके बटे में, ये क्या हो जाएगा, 5/7 की पावर 1/2, और ये भी हो जाएगा हमारा 5/7 की पावर, ये 1/2 है ही पावर। जब दोनों पावर एक से, दोनों चीज़ें एक सी हो गई, तो क्या हो जाएगा, 5/7 की पावर 1/2 और इस सब की पावर 2, स्क्वायर हो गया इन दोनों का, तो स्क्वायर हो गया तो ये कट गया, आंसर रहेगा हमारा 5/7, यानी ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन बेहद आसान था, ये सब आपके हमारे करने के लिए। बाकी आपने देखा कि जैसे ही माइनस की पावर होती है, यदि एक्स की पावर माइनस में है, चाहे कितने भी हो, -3 -2, तो वो क्या होता है, 1/x हो जाता है, पावर उतनी ही रहती है। यदि x/y है और इस पर कोई पावर माइनस में है, -3 या -2, तो y/x हो जाएगा और पावर हो जाएगी 3। तो माइनस से पलट जाती हैं चीज़ें। तो आपने देखा जैसे ही हमने यहाँ से माइनस हटाया तो पलट गया, 5/7 हो गया, और फिर यहाँ भी 5/7 है, तो दोनों वैल्यू होकर कितनी हो गई, यानी दोनों का 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर हो गया, कट के 2 कट के, और 5/7 रह गया, है ना। यानी आपका ऐसे लिखा हो √x/√x, तो क्या होगा, वो x हो जाएगा। अब अंडर रूट क्या होता है, माइनस की ही तो पावर होती है, 1/2 और x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/2, 1/2 पावर कितनी हो जाएगी, या ये हम ये कहें कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/2 और 1/2 जुड़ के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगी, चीज़ें वही हो जाएंगी। तो ये चीज़ क्लियर है, यानी ये तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे इसको ऑरली सॉल्व करोगे, इस चीज़ पर हम ध्यान कर रहे थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, टेबल बनवाई थी मैंने स्टार्टिंग के ही कुछ प्रीवियस पेपरों में, और ये आपको हमेशा काम आएगी। तो जब हमने टेबल बनाई थी, तो इस तरह से टेबल बनाई थी, किससे लेके 1 से 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, इस तरह से। जैसे यहाँ पर हमारी क्या थी, 2 3 5 7, फिर क्या था हमारा, 11 13 17 और 19, और यहाँ पर क्या था, 23 और 29, तो 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई, 10। अब मुझे तो ये टेबल याद है, आपने भी बनाई होगी, एक बार करके देखोगे तो आपको भी याद हो जाएंगी। बजाय इसको हर बार मेहनत करने से अच्छा है एक बार बना के तैयार कर लो, उसको एक बार देख लो अच्छे से, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 10 हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आते हैं, यदि एक संख्या 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर हो, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो करते हैं, अब कोई संख्या है n, n का क्या है, 6/5 4/5 और 2/3, ये सब किसके बराबर है, 240 के, जैसा कहा है ऐसे रख दिया। अब आप इसको बड़े आसानी से सिंपल कर सकते हैं, तो ये देखेंगे, 6 चौ 24, तो ये कट गया सीधा 10 बार, और क्या है, 5 5 25 25 3 75, और ये 2 से भी ये कट जाएगा 5 बार।
तो एन बराबर कितना आ गया, 5 गुणा इन सब की गुणा हो गई, ये इधर आ गया 75, यानी कि 375, यही आंसर हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन था, संख्या किसी के हमने लिया एन और फिर गुणा करते हुए चले गए, का की क्या मतलब गुणा, और बराबर कितना था 240, बस एन की वैल्यू निकाल दी। आगे बढ़ते हैं, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, किसी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी उतनी ही बार आप 9 लिख लेंगे। अब इससे विभाजित करना है 3, 4, 5, तो तीनों से अलग अलग नहीं करेंगे, पहले 3, 4, 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का एलसीएम क्या है, क्या है बच्चों इन सभी का एलसीएम, तो 3, 4, 5 का एलसीएम है 60। एलसीएम निकालना आता है, हमने एलसीएम की कुछ जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें देखेंगे किस तरह से फटाफट एलसीएम निकालते हैं। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा ही एलसीएम होगा, 4 × 5 = 20 = 60, ये एलसीएम होगा। इस 60 से ही इसको डिवाइड करना है और बड़ी से बड़ी हमको बतानी है, तो इससे बड़ी तो होगी नहीं, इसी को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये जाएगा 60 बार, बचेगा कितना 39, फिर ये हमने 9 उतार लिए, ये अब कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 360 बचे कितने 39 उतार लिए। जो ये शेष बचे हैं इस शेष को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा, ये हमारे पास फालतू है, शेष ही क्या है एक्स्ट्रा है। तो 999 से हम ये 39 माइनस कर देंगे, यानी 960, ये ही आंसर हो गया, कहाँ पर है थर्ड नंबर पर। तो ये भी बेहद आसान है, फिर से समझ लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली हमने और मैं से एलसीएम से भाग लगा दिया, जो भी शेष बचा उसको माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि शेष एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा को हमको निकालना है। तो आओ आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आगे आते हैं, अब ये देखेंगे 1.44 × 0.02 + 2.2 × 0.01, तो बोर्ड मास के रूल से करना है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करने हैं दोनों और फिर बाद में एडिशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तब एडिशन। पॉइंटों के गुणा में हम सिंपल गुणा करते हैं और बाद में पॉइंट के अंक गिन लेते हैं, तो जैसे 2 की गुणा 144 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, लेकिन 2 अंक ये और 2 अंक ये 4 हो गए, अब 4 हो गए तो 1, 2, 3 और 4, 1 और 0 बढ़ा के ये अंक आएगा, ठीक है। अब ये किसी में जुड़ेगा, यहाँ भी देखते हैं कितना है, यहाँ 22 की गुणा 1 में होगी तो कितना होगा 22 ही आएगा, 2 अंक ये और 1 ये 3, तो यहाँ पे लगेगी 0 ये। वैसे पॉइंट के बाद हमारे 4 अंक आने चाहिए, 4 अंक हमारे इसमें भी हैं इसमें भी हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये ही आएगा, तो इसको हम जोड़ते हैं, तो कैसे करते हैं, अब ये जोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, या तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाओ या जितने अंक यहाँ है उतने ही अंक यहाँ कर देते हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8050.0, ठीक है बच्चों। आप इसको अलग भी लिख सकते हो, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सीधा इस तरह से लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0288, तो ये आया था और दूसरा हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, कितना आया था हमारा 0.22 और ये 0 और ये सब हमने जोड़ लिया, कितना आया 508, ठीक है। तो सिंपल है, आगे आते हैं बिना देर किए, 3/7 के 40% के 25% का मान है ना, तो के या का मतलब क्या है, गुणा है इन सभी का मतलब है ना, और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएंगे, यही तो आएंगे। अब इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगी, और ये जो ये वाला 100 है 25 एकम 25, 25 चौका 100, इस 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 10 बार। अब क्या होगा हमारा 35 × 3 × 10 कितना हो गया 35 = 105 और 0,
नहीं अभी सात भी है, सात से इसे काट लेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 * 15 और गुणा 10, 150, तो ये आ गया आंसर। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, सात एक काटा नहीं था इसको भूल गए थे, लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, प्रैक्टिस से ही चीज़ें सही हो जाएंगी। जिनको नहीं आया वो समझ लें, 3500 हमने गुणा कर दिया 3/7, 40% था तो 40/100 और 25% था तो 25/100, परसेंट हटता है बटे में 100 आता है। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट ली थी और 25 से काट लिया था 4 बार, 4 से काट लिया था 10 बार और 7 से काट लिया था 5 बार। अब 5 * 15 और 10, 150, यही आंसर था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्स रेशियो वाई 2:3 और डब्ल्यू रेशियो जेड, ये 5x और 7:7y, तो एक्स जेड और वाई डब्ल्यू। देखो रेशियो के क्वेश्चन जब रेशियो में ही वैल्यू पूछी हो तो डायरेक्ट वैल्यू को उठा के रख दें, रेशियो दिया है और रेशियो में ही वैल्यू पूछी है तो आप डायरेक्ट निकाल दें, कोई पॉइंट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। तो एक्स जेड है, रेशियो वाई डब्ल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है जी 2 और जेड की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 7y। अभी एक्स वाई की वैल्यू एक बार रखनी और रह गई, तो ये हो गया हमारा 2 * 5 और गुणा एक्स की वैल्यू यानी 2 अनुपात 3 * 7 गुणा वाई की वैल्यू कितनी है 3, फिर से 3। अब इसे कर देंगे तो 20, 5 * 2 = 10 और 2 = 20 गुणा 2, 7 * 21 = 63, यही आंसर होगा क्योंकि अब आगे नहीं कट रही है वैल्यू, कहाँ है 4th नंबर पर। तो बेहद आसान है, फिर से आपको समझना है रेशियो दे के, रेशियो पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू उठा उठा के रख दें, एक्स की वैल्यू रखी, जेड की वैल्यू रखी, जेड में एक्स है तो वो एक्स फिर से रख दिया। 19, 63, 51, 78, 47 और ए का औसत 49 है तो ए का मान ज्ञात करें। खरे बच्चों ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी हमें औसत दिया हो तो हम योग से कर लेते हैं, ठीक है, हम योग से क्वेश्चन करेंगे। और तो योग करते हैं, पहले योग कितना होगा, औसत गुणा पदों की संख्या, औसत है हमारा 49 और पद कितने हैं 1, 2, 3 और 3, 6, तो 6 पद हैं, हमने इसमें 6 से गुणा कर दी, कितना आया, अब 6 से गुणा तो 6 * 5 = 30 और 6 ही कम कर लेंगे तो 394, ये आ गया हमारा 294, ठीक है, ये हमारा योग आ गया। अब ये योग आ गया तो बाकी संख्याओं का योग कर लें, योग बराबर योग, ऐसे क्वेश्चनों में आप योग बराबर योग से कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 19 इन सबको आप जोड़ सकते हैं फटाफट, कैसे जोड़ सकते हैं, तरीके क्या ही हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे ऐसे जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको जोड़ लेता हूँ, पहले ये दोनों जोड़ लिए मैंने, एक यहाँ हो गया तो 20, 50 और 20, 70, तो ये हो गए, और 63 और 47 जोड़ लेते हैं, 3 इधर हो गए तो 50, 50 = 60, 110, 110 ये हो गए और 78 ये हो गए, ठीक है, 70, 110, 180 हो गए, 180 और 78, 180 और 70 250 और 98, तो हो गए 58, 258 और प्लस ए बराबर कितना हो गया 294, तो ए बराबर कितना हो गया 294 और इससे माइनस हो जाएंगे 258, ये बचे 6 और ये बचे 3, 36, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये चीज़ समझ में आई, दोनों तरफ के योग बराबर कर लिए, इन सभी का योग तो इनको जोड़कर आ जाएगा और इसका योग कैसे आएगा, औसत गुणा पदों की संख्या जो 6 था, दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लिया। आप भी सॉल्व करोगे अपने तरफ से, खुद कोशिश करो, ऐसे नहीं जो सर ने करा दिया है वही हमने नोट कर लिया है, नोट नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे ट्रिकों के साथ, तब तक का आप प्रैक्टिस करते रहिए और शेयर और लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।